मैं फ्लाई करता हुआ जो बांग्लादेश की तरफ रवाना हुआ, तो तकरीबन 5.5 घंटे की फ्लाइट करने के बाद मैं बांग्लादेश की एयर स्पेस में पहुंचा, फजाई हदूद में ढाका, और बांग्लादेश एयरपोर्ट नज़र नहीं आ रहा था। ढाका सिटी जो थी वो बिल्कुल एक स्मॉग, एक पोल्यूशन के स्मॉग में कवर्ड थी, और तकरीबन 600 फुट पे जाके मुझे जो है नीचे ज़मीन नज़र आनी शुरू हुई है, यानी कि इतना स्मॉग था। खैर अराइवल दिया मैंने, okay, Mission Pravas reporting from Bangladesh, Dhaka. We've just landed and Dhaka airport, and I can see so much cargo movement. These are all garments basically, and a lot of these cargo airplanes, you know, sitting here. There's another one, a big one, a big cargo airplane sitting right there. You can see this one right here. So there's lots of action, but here we are, and the weather is good, and I'm very excited because I get to see my younger brother who lives here in Dhaka, Rafe Alam. And it's going to be good fun overnight, and tomorrow morning we are off to Thailand. Mission Pravas, Dhaka Airport, over and out. और ये भी मेरे लिए एक बड़ा special arrival था, इसलिए क्योंकि ढाका में मेरे छोटे भाई राफे आलम जो थे वो मुझे receive करने के लिए wait कर रहे थे। वो ज़माने उन दिनों में ढाका में रहते थे उस ज़माने में, तो मुझे बड़ी खुशी थी मैं अपने भाई से मिलने ढाका आ रहा था पहली दफ़ा। उसके घर मैंने रात को क़याम किया, और फिर अगले दिन सुबह 6 बजे मेरा डिपार्चर था वहाँ से। मैंने भाई को अपने खुदाफिज़ कहा और मैं आगे के लिए अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुआ। तो सुबह ढाका से रवानगी के लिए जहाज़ पे मैं आया। जहाज़ पे जब मैं पहुँचा तो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई कि किसी के पास ग्राउंड सर्विसेज में कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं थी जो जहाज़ को पुश बैक कर सके। तो फिर ग्राउंड स्टाफ ने एक्चुअली धक्का मार के उसको जो है पीछे किया। ढाका से मैंने टेक ऑफ किया, और अब मैं फार ईस्ट जा रहा था। पहला स्टॉप जो था वो थाईलैंड में पताया था, और बैंकॉक के ऊपर से भी प्रवास करते हुए गुजरा और नीचे देखा। और आप जूं जूं फार ईस्ट की तरफ जा रहे होते हैं तो आप वाजे तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह नीचे लैंडस्केप चेंज होना शुरू हो जाता है। बहरहाल मैं पताया आया, बड़ी खूबसूरत कोस्ट लाइन के साथ फ्लाई करता हुआ पताया पे लैंडिंग के लिए आया। ओके फोक्स, मिशन परवाज रिपोर्टिंग फ्रॉम पताया थाईलैंड। वी हैव जस्ट लैंडेड इन थाईलैंड आफ्टर अ 4 आवर लेग आउट ऑफ Bangladesh, Dhaka. What a beautiful flight it was. Got some weather in the way, but other than that, it was a good flight. Very nice approach into Pattaya. Beautiful coastline. Very nice beaches that you could see up from there. और उसके बाद जहाज लॉक करके होटल के लिए रवाना हुआ। 45 मिनट की ड्राइव थी, होटल पहुंचा, चेक इन किया। बहुत खूबसूरत होटल था, सामने मेरे जो था वो साहिल था, बीच था। So Mission Pravas has arrived in Pattaya. As you can see the weather, we got this weather when we were coming in. A lot of thunderstorms in the area. Stop over for the day and early morning tomorrow to Singapore and onwards to Jakarta. So maine socha kyun na thoda walk around kiya jaye. To maine ghuma phira, local cuisine try ki, thoda culture absorb karne ki koshish ki. पताया से एक दिन कयाम करने के बाद रात रुका। अगले दिन सुबह 5 बजे वहाँ से होटल से रवानगी हुई, 6 बजे एयरपोर्ट पहुँचा, और 6 बजे जहाज़ तैयार था, वहाँ से टेक ऑफ किया। After departure, left turn, come on course. All right, on course, left heading, that's 54 Zulu, ready for take off. Thank you, and Thailand, goodbye. और फिर टेक ऑफ करके कोई तकरीबन 4.5 घंटे की फ्लाइट करता हुआ मैं सिंगापुर में आया। गुड मॉर्निंग सिंगापुर, नवंबर 9854 ज़ुलू, पिलाटस BC12, फ्लाइट लेवल 290। नवंबर 854 ज़ुलू सिंगापुर, रीड गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू हेडिंग 54 ज़ुलू, कंटिन्यू हेडिंग, थैंक यू सिंगापुर।
और मैंने जहाज़ खड़ा किया, मैंने फ्यूल लेना था और लंच करना था, तो मैं बाहर गया तो मुझे एक ग्रुप ऑफ पाकिस्तानीज़ मिला, पाकिस्तान का झंडा, सिंगापुर का झंडा, और उसमें मेरे एक दोस्त भी मुझे मिले, कराची से उनका ताल्लुक़ था, नासिर काज़मी, तो बड़ी मुझे खुशी हुई वो सब कुछ देख कर। कुछ वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, वापस जहाज़ पे आया, फ़्लाइट क्लियरेंस ली और वहाँ से फिर मैंने अपनी परवाज का आगाज़ किया इंडोनेशिया जकार्ता के लिए। सिंगापुर से टेक ऑफ जो था वो टर्बुलेंट था, टेक ऑफ के बाद एक घंटे तक काफ़ी टर्बुलेंस रही, उसके बाद थोड़ी स्मूथ एयर मुझे मिली 2829,000 फुट पे जाके, और 4 घंटे की फ़्लाइट थी, स्मूथ फ्लाइट थी। और जब मैं जकार्ता लैंड कर रहा था तो मैंने उस वक्त ही नोट किया था कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। सो अब कायरो के बाद ये दूसरी जगह है जहाँ पे मैंने इतनी डेंसिटी देखी, इतनी बिल्डिंगें, इतने ज़्यादा घर करीब करीब बने हुए देखे। बहरहाल 4.5 घंटे का रास्ता पूरा करता हुआ मैं जो हूँ वो जकार्ता पहुँचा। जकार्ता में रात कायम करने के बाद अगले दिन सुबह वहाँ से मैंने डिपार्चर लिया बाली के लिए। ये इंडोनेशिया का सदर्न मोस्ट एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत खूबसूरत है। So we are out of Jakarta. We're over Jakarta right now. It's a very congested city, lots of population, lots of traffic, very slow traffic at times, and the air traffic controller was also very very busy. So it's not only on the roads, apparently it's also in the air and on the ground. 2 ghante ki flight thi Bali mein, maine jahaz utara, jahaz aake khada hua jab ground crew aaya. जहाज़ खड़ा किया, मैं होटल गया, बहुत खूबसूरत होटल था, सारा दिन मैंने बीच पे गुजारा, पूल साइड पे गुज़ारा, खाने खाए और जस्ट जनरली बाली को एंजॉय किया, सनसेट को एंजॉय किया। और मैं बाली इसलिए गया क्योंकि बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी बाली देखने की, तो मैंने एक दिन का वहाँ पर का भी क़याम अपना जो था वो रखवाया हुआ था। बाली से अगले दिन सुबह मेरा डिपार्चर था, और अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्चर था क्योंकि अब मैं फिर पानी के ऊपर से प्रवास करता हुआ ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। Yeah, the first time we're seeing the Australian coastline right in front of us. We can see some ships down below as well, and it's been a relatively smooth flight, about 3 hours, and we are in contact with the Port Hedland Tower. So all set to get into Australia. बाली से रवानगी हुई और तकरीबन 5 घंटे के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट हेडलैंड, जो कि एक वेस्टर्न माइनिंग टाउन है ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे उतरा। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा टाइम टर्मिनल में गुजारा, अगला फ्लाइट प्लान अपना स्टडी किया और वापस जहाज़ की तरफ आया। पोर्ट हेडलैंड से अब मेरा जो डिपार्चर था वो था साउथ मोस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक शहर जिसका नाम है सिड्यूना। 5 घंटे की फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया के लाल सरजमीन, तो बड़ा लाल लाल नज़र आता है सब कुछ, जो डेजर्ट है उनकी बैक कंट्री जो है, आउटबैक जिसे कहते हैं, क्योंकि कॉपर रिच है उनका सॉइल, वो लाल नज़र आता है आपको ऊपर से। जब मैं सिडूना पहुंचा तो अब मैं जल्दी में जहाज़ उतारना चाह रहा था क्योंकि मैं बाथरूम जाना चाहता था। मैं ऊपर से कॉल्स दूँ, एयरपोर्ट बंद हो चुका था, मैं लेट अराइवल पे था और नीचे रनवे की और एयरपोर्ट की लाइट्स बंद पड़ी थी, मुझे नीचे कुछ ना नजर आए। मैंने रेडियो पे बड़ी कॉलें दी, उसके बाद किसी ने रनवे की लाइट्स ऑन की, मैंने जहाज लैंड किया। November 9854 Zulu, can you please turn on the lights of the runway? We are flying blind here. November 9854 Zulu. Siduna Operations, thank you for turning the lights on. November 9854 Zulu. और उधर के साथ ही मैं जहाज से बाहर भागा और जो साहब एक आदमी मुझे मिलने के लिए वहाँ पे खड़ा था ग्राउंड सपोर्ट में, कोई और साफ नहीं था। सिडूना रात कयाम किया एक होटल में, सुबह उठा होटल के बाहर, मैंने सामने देखा समंदर था, एक बहुत खूबसूरत सा पियर था, मैंने वॉक की, कुछ तस्वीरें ली और वो नज़ारे जो हैं, वो इमेजेस जो हैं मेरे दिमाग में नक्श हैं हमेशा के लिए। सिडूना से मैंने सुबह 9 बजे डिपार्चर लिया
और मैं आया एडिलेड 0 degrees 10 knots from my 12 clear to land. Runway 12 clear to land, November 9854 Zulu. एडिलेड में मैंने जहाज़ जो है वो फ्यूलिंग के लिए रोका था और इंटरेस्टिंगली जब मैं एडिलेड एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ पर भी प्लेन स्पॉटर्स ने जहाज़ को मेरे स्पॉट किया, उन्होंने तस्वीरें खींची और जहाज़ मेरा रैंप पे खड़ा था. मैं उस वक्त फ्यूल ले रहा था कि अचानक एक टीम आई 3-4 लोगों की और उन्होंने मुझसे आकर कहा इज दिस योर प्लेन. मैंने कहा नहीं जी, तो किराए पे लिया हुआ है और मैं अराउंड द वर्ल्ड फ्लाई कर रहा हूँ. तो पता चला कि वो पिलाटिस जो कंपनी जिनका जहाज़ में उड़ा रहा था पिलाटिस वानों का, उनका जो मेंटेनेंस सेंटर है वो एडिलेड एयरपोर्ट पे है, तो वो उनकी टीम थी पिलाटिस वानों की.